बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानिब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स की प्रिपरेशन के हवाले से। तो आज की इस वीडियो में हम टॉप 25 एमसीक्यूज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये अपकमिंग में जो पीपीएससी में डिप्टी अकाउंटेंट की जो सीट्स आ रही हैं या जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जॉब्स आती हैं तो उनकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन ईयर। ऑप्शन 1858, 1875, 1885, 1906। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद कब रखी गई? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, 1885, 1885 में। क्वेश्चन नंबर टू, उर्दू हिंदी कॉन्ट्रोवर्सरी इन सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड इन ईयर। उर्दू हिंदी तनाज़ा बरसगीर में किस साल हुआ? ऑप्शंस हैं 1857, 1867, 1877, 1937। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बी, 1867, यानी 1867 में बनारस में जो है उर्दू हिंदी तनाज़ा स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर थ्री, इन 1905 बंगाल वाज पार्टीशन्ड बाय। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड शिमला, रेडक्लिफ, लॉर्ड कर्जन। यानी बंगाल, तकसीम बंगाल कब हुई? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है डी, यानी तकसीम बंगाल जो है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी 1905 में। अगर ये पूछा जाए कि कब हुई है तो 1905 में, और किस ने की है, किस लॉर्ड के दौर में हुई है, तो लॉर्ड कर्जन के दौर में तकसीम बंगाल हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर, शिमला डेपुटेशन अक्टूबर 1906 कंप्राइज्ड ऑफ मुस्लिम लीडर्स। शिमला वफ्द कितने मुसलमान वफूद पे मुश्तमिल था? ऑप्शंस हैं 18, 35, 40, 50। तो इसमें जो राइट आंसर है, शिमला वफ्द में 35 यानी 35 मुसलमान मेंबरान या अराकीन शामिल थे, तो बी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, मुस्लिम डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड इन। मुसलमानों का जो डिमांड थी या मुसलमानों की जो ख्वाहिश थी जुदागाना इंतखाब की, वो कब मंजूर हुई? ऑप्शंस 1906, 1909, 1919, 1935। तो इसमें राइट आंसर है 1909 बी। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया वाज अनाउंस्ड इन। तकसीमे हिंद का जो मंसूबा है ये कब इसका ऐलान किया गया? ऑप्शंस हैं जून 3, 1947, जून 3, 1947, जुलाई 1947, जुलाई 18, 1947, अगस्त 14, 1947। तो राइट आंसर है 3 जून 1947, ए इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बोरीड इन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहाँ दफन है? ऑप्शंस दिल्ली, लखनऊ, यरूशलम, मक्का। तो राइट आंसर सी है, यरूशलम। क्वेश्चन नंबर एट, हु वाज द लास्ट वाइस राय ऑफ इंडिया। इंडिया का आखिरी वाइस राय कौन था? ऑप्शंस है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड माउंट बैटन, लॉर्ड लिंथगो, लॉर्ड क्रिप्स। तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंट बैटन, बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नाइन, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन। ऑप्शंस 1947, 1948, 1950, 1987। तो इसमें महात्मा गांधी
को कब कत्ल किया गया? राइट आंसर है 1948, 1948 में। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहला चीफ जस्टिस का नाम क्या था या कौन थे? ऑप्शंस, जस्टिस कर्नीलियस, जस्टिस अब्दुल रशीद, जस्टिस शरीफ, जस्टिस मुनीर। राइट आंसर है बी, जस्टिस सर अब्दुल रशीद। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? कायदे आजम, गुलाम मोहम्मद, सिकंदर मिर्ज़ा, अयूब खान। पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसमें राइट आंसर सी है, सिकंदर मिर्ज़ा, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा। क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन लाहौर इन ईयर? पहली इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में किस साल हुई? ऑप्शन, 1964, 1972, 1974, 1984। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सी है, 1974 में लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वेन मार्शल लॉ वॉज इम्पोज इन 1958? जब पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम कौन थे? ऑप्शन, गुलाम मोहम्मद, फिरोज खान नून, सिकंदर मिर्जा, मोहम्मद अली बोगरा। तो इसमें राइट आंसर बी है, फिरोज खान नून। क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास्ड इन करारदाद मकासद कब हुई? ऑप्शन, 1940, 1949, 1974, 1985। तो इसमें राइट आंसर बी है, 1949। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज ऑन? 1956 का जो पाकिस्तान का कानून है वो ख़त्म किया गया और मार्शल लॉ लगा दिया गया। ऑप्शंस हैं, 6 मार्च 1958, 7 अक्टूबर 1958, 27 अक्टूबर 1958, 16 दिसंबर 1958। तो इसमें जो राइट आंसर वो बी है, 7 अक्टूबर 1958, यानी पाकिस्तान का जो पहला मार्शल लॉ लगा था वो 7 अक्टूबर 1958 को लगा था। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन सेटअप बाय द अयूब खान वॉज हेडेड बाय? जो अयूब खान ने कमीशन बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का, तो उसकी सरबराही कौन कर रहा था? ऑप्शन है, जस्टिस शहाबुद्दीन, जस्टिस मुनीर, जस्टिस शरीफ, जस्टिस कर्नीलियस। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए है, जस्टिस शहाबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 17, ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर? मुआहिदा ताशकंद जो था वो इंडिया की तरफ से किस प्राइम मिनिस्टर की ने साइन किया था? ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, जस्टिस लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसमें राइट आंसर बी है, जस्टिस लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 18, अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू जनरल अयूब जनरल याया? अयूब खान ने जनरल याया को कब पावर दी? राइट आंसर इसमें ए है, 25 मार्च 1969 को। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट मुस्लिम लीग इन? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी 1913 में। तो सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अल्लामा इकबाल गेव अलाहाबाद एड्रेस इन विच ईयर? खुतबा अलाहाबाद 1916 में हुआ है, ये सॉरी 1930 में हुआ है। तो सी इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय? तो ए है, मौलवी फजलुल हक। क्वेश्चन नंबर 22, लियाकत अली खान असैसिनेट हुए हैं 16 अक्टूबर 1951, बी राइट आंसर है। 23वां क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान वाज डिसॉल्व इन ईयर 1954, बी राइट आंसर है। इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? सी है, 1972 में। और वन यूनिट बिल पास हुआ है 1955 में, सी इसमें राइट आंसर है। दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिप्टी अकाउंटेंट के टॉप 25 MCQs। मजीद वीडियोज़, न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।